लाइट जरा प्ले। नमस्कार दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। फिर एक बार स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अली स्नैक कैचर में। दोस्तों, तरकुलवा से हमें सूचना मिला है कि यहाँ पर एक छोटा सा स्नैक है जो किसी घर के अंदर छुपा हुआ है। तो दोस्तों चलिए निकाल के दिखाते हैं कि सांप कौन सा है। वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। दोस्तों इसके निकलने पर काफ़ी यहाँ के लोग भयभीत हैं, डरे हुए हैं। दोस्तों यहाँ पर निगरानी रखा गया है, तो ये सांप, तो चलिए दोस्तों इस सांप को निकालते हैं और आपको दिखाते हैं। वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। ऐसे में तो खतरा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, नज़र जमाए रखिएगा। दोस्तों आप देख सकते हैं ये छोटा सा स्नैक यहाँ पर छुपा हुआ है, तो चलिए इसे निकालते हैं और दिखाते हैं सांप कौन सा है। दोस्तों हालांकि यहाँ के लोग काफ़ी अच्छे हैं और सांपों को नहीं मारते बल्कि बचाने का काम करते हैं। तो दोस्तों चलिए इस सांप को निकालते हैं और आपको दिखाते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं ये छोटा सा स्नैक है जिसको वुल्फ स्नैक के नाम से जाना जाता है। ये बिल्कुल भी जहरीला नहीं होता है, आपको डरने की कोई आवश्यकता नहीं दोस्तों। तो ऐसे में आप सांपों को नहीं मारिए। दोस्तों सांप अगर जहरीला है तो भी नहीं मारें, बिना जहर वाला है तो भी नहीं मारें, क्योंकि इन्हीं से हमारा पर्यावरण सेफ रहता है। और दोस्तों जहरीले सांप के जहर के वजह से ही हमारी जान बचती है, इन्हीं का जहर से एंटीवेनम इंजेक्शन बनता है। तो दोस्तों आप सांपों को नहीं मारिए, और दोस्तों मारने से बड़ा बचाने वाला होता है। तो दोस्तों हम लोग बचाने वाला काम करते हैं, बचाने का काम करते हैं, आप लोग भी बचाने का काम करें, इन्हें हेल्प इनका हेल्प करें और मदद करें। दोस्तों इन बेजुबानों का अगर हम नहीं होंगे तो आप कौन होगा दोस्तों, तो इन्हें मारे नहीं आप। चलिए ले चलते हैं बाहर की तरफ और दिखाते हैं आपको। आप देख सकते हैं जूते के नीचे मैं इसको दाब चुका हूँ और इसको ले कर बाहर चलता हूँ, दिखाता हूँ आपको। और दोस्तों यहाँ के लोग काफ़ी डर गए थे, हालांकि ये सांप जहरीला नहीं है लेकिन फिर भी लाठी डंडा लेकर के खड़े हैं खोचा भाला इसको मारने के लिए। तो दोस्तों ऐसे में हमको कॉल किया इन्होंने, तो हम लोग यहाँ पर पहुँचे और इसे सुरक्षित रेस्क्यू किए और सुरक्षित ले चलते हैं बाहर की तरफ। इसे डिब्बे में पैक करते हैं और दिखाते हैं आपको। दोस्तों हमारे साथ हमेशा खतरा बना ही रहता है, तो दोस्तों इतना खतरा उठा करके हम लोग वीडियो बनाते हैं। तो आप लोग हमारे वीडियो को पूरा फुल देखिए, ना कि भगा भगा देखें और काट काट के देखें। दोस्तों काटे नहीं और भगाए नहीं दोस्तों, क्योंकि इससे हमारा व्यूज पूरा नहीं होता है और वॉच टाइम नहीं मिल पाता है। तो दोस्तों वॉच टाइम और व्यूज बहुत ज़रूरी है हमें सक्सेस होने के लिए। और दोस्तों आप हमारी मदद करेंगे तो हम भी आपका मदद करेंगे। आपको लगता है कि हमारे वीडियो के माध्यम से अगर किसी की जान बच सकती है, कोई बेजुबान बच सकता है या किसी का मदद हो सकता है, दोस्तों हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हर एक आम जनमानों तक पहुँचाएँ, लोगों को जागरूकता करें। दोस्तों हमारे भारत में काफ़ी अंधविश्वास फैला हुआ है सांपों को लेकर के। दोस्तों जो सांप जहरीला होते हैं उनको भी मार दिया जाता है, जो नहीं जहरीला होते हैं उनको भी मार दिया जाता है। तो दोस्तों आप मारने का काम ना करें। हालांकि दोस्तों ये सांप हमें कई बार काट भी देते हैं, बाइट भी कर देते हैं, पर हम लोग को भी नहीं कुछ होता है और आप लोग को भी नहीं कुछ होगा। तो आपको डरने की कोई आवश्यकता नहीं है दोस्तों, इन्हें मारे नहीं। दोस्तों इन्हें किसी भी एक्सपर्ट को बुलाएँ और तुरंत रेस्क्यू करा दें, मारने से बड़ा बचाने वाला होता है। दोस्तों जो जब से जीवन मिला है मौत हमारी पीछा करती है। दोस्तों एक एक कदम संभाल के रखना होगा और इन बेजुबानों को भी बचाना होगा। तो दोस्तों इनका पसंदीदा भोजन चूहा है और कभी कभी चूहा ना मिलने पर मेढक को भी अपना निवाला बनाते हैं। दोस्तों चूहा खाने की तलाश में हमारे और आपके घरों के अंदर प्रवेश करते हैं और घूमते रहते हैं। तो दोस्तों किसी के पैर के नीचे आते हैं या कोई छेड़छाड़ करता है तभी ये जा करके किसी को बाइट करते हैं, काटते हैं। तो दोस्तों चलिए इसे इन्हीं सब बातों के साथ इसे पैक करते हैं। और दोस्तों आपको बता देना चाहते हैं कि आप सरकार से निवेदन कीजिए, रिक्वेस्ट कीजिए कि हर एक ब्लॉक पर एंटीवेनम इंजेक्शन रखा जाए, क्योंकि दोस्तों दूरी के हिसाब से और समय के हिसाब से इंसान की मृत्यु हो जाती है हर वक्त और सांप के काटने से। दोस्तों समय से इलाज नहीं मिल पाता है और काफ़ी दूर पड़ जाता है अपना ज़िला हॉस्पिटल, तो इंसान की मृत्यु हो जाती है। तो आप लोग इस पर कार्रवाई करें और इस पर गौर करें हमारी बातों पर, और वीडियो को पूरा फुल देखें और दोस्तों हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें कि लोगों की जान बच सके और कोई बेजुबान बच। तो दोस्तों इस बात को हमेशा याद रखिएगा कि बेजुबानों को भी बचाना है और लोगों को भी बचाना है। तो दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों काफ़ी दूर दूर तक हमारी टीम जाती है इन बेजुबानों को बचाने के लिए, और दोस्तों इन्हें बेजुबानों को बचाते हैं और लोगों का हेल्प करते हैं, मदद करते हैं। दोस्तों इन्हें सुरक्षित ले जा करके रिलीज करते हैं। तो दोस्तों ये सांप जो आप देख रहे हैं इसको कुछ लोग करैत कह के मार देते हैं, तो ये करैत नहीं है, बिल्कुल भी जहरीला सांप नहीं है ये। इसको ये वुल्फ स्नैक के नाम से जाना जाता है
और भी कई नाम है इसका है, लेकिन ये जहरीला सांप नहीं होते हैं। तो दोस्तों इसके काटने पर आपको घबराने और डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, ये सांप जहरीला नहीं होते हैं। ये बार बार हम इसलिए बताते हैं दोस्तों कि ये सांप कुछ लोग जान के इसे करैत मार देते हैं, तो आप लोग नहीं मारिए। और ये सांप अगर जो कभी भी बाइट कर दे रहा है तो घबराए नहीं या डरे नहीं, क्योंकि डरने और घबराने की वजह से बीपी हाई हो जाता है, इंसान की मृत्यु हो जाती है इस सांप के भी काटने से। तो दोस्तों आप घबराएं और डरे बिल्कुल भी नहीं, आप अपने डॉक्टर से जाकर के एक बार सलाह। दोस्तों हमारे उत्तर प्रदेश में दो सांप जहरीले पाए जाते हैं, जिनमें एक इंडियन स्पेटकल कोबरा जिसको गेहूंवन के नाम से जाना जाता है, और एक कामन करैत। दोस्तों कामन करैत साइलेंट किलर उसे कई नाम से जाना जाता है। और दोस्तों इनके काटने पर दो दांत के निशान होते हैं, 20 से 25 मिनट के बाद इंसान को उल्टियाँ आना चालू होता है और चक्कर आना, और दोस्तों 30 से 40 मिनट 50 मिनट जाते जाते इंसान की मृत्यु हो जाती है, समय से इलाज नहीं मिल पाता है। तो दोस्तों मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी बेजुबान को बचाते बचाते और लोगों का मदद करते करते। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। चलो ले लो।